दोस्तों जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फॉर्म 2021 से 22 के निकल चुके हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए कि जामिया के फॉर्म्स 2021 से 22 के फॉर्म्स निकल गए हैं। दोस्तों देखिए, कमाल की बात है कि स्कूल के फॉर्म निकले हुए हैं और लास्ट डेट है 4 जून तक। तो स्कूल वाले नर्सरी, प्रेप, क्लास फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ, इलेवन, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं 4 जून तक। उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं, सारे का प्रोस्पेक्टस भी रिलीज हो गया है। आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कान खोल के सुन लीजिए। 17 मई से लेकर 30 जून तक फॉर्म भरने हैं, उसके बाद एडिटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। कब एडिटिंग का ऑप्शन खुलता है? एडिटिंग मतलब फॉर्म में कोई गलती हो जाती है उसको सुधार करने के लिए जामिया ऑप्शन देती है। कब? जब फॉर्म का लास्ट डेट खत्म हो जाता है तब। तो 30 जून को खत्म होगा लास्ट डेट, तो उसके बाद ही तो एडिटिंग का ऑप्शन आएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसी तरह पीएचडी का भी फॉर्म निकलने वाले हैं 1 अगस्त को, ठीक है। और क्या क्या नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं उसके बारे में जरूर सुन के जाइएगा। कोर्सेज लॉन्च किए हैं, बहुत से कमाल के कोर्सेज हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 2021 से 22 के लिए नए कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। अभी इसमें पीएचडी एडमिशन के लिए 1 अगस्त को फॉर्म निकलेगा और फॉर्म 25 अगस्त तक भरा जाएगा, यानी आपको 25 दिन का मौका मिलेगा। जब जो आपका लास्ट डेट खत्म हो जाता है तब एडिटिंग का ऑप्शन आता है। एडिट करना मतलब सुधार करना, करेक्ट करना, सही करना। तो 26 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपका तो सुधार करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद हार्ड कॉपी, फिर एडमिट कार्ड, फिर एडमिशन टेस्ट होगा, फिर टाइमिंग दे रखा है एडमिशन टेस्ट का। वेन्यू तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में टेस्ट होगा। रिजल्ट आपका 3rd-4th वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाएगा। 1500 एप्लीकेशन फॉर्म है, किसके लिए दोस्तों? पीएचडी की बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल है, नॉर्मल तो बहुत कम है। फिर आपका क्लासेज स्टार्ट 6 दिसंबर को, तो पीएचडी वाले 1 अगस्त को तैयार रहिएगा। स्कूल वाले बिल्कुल तैयार है, फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। और जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, 30 जून से पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। फॉर्म निकल गया, कैसे अप्लाई करना? आई बटन पे वीडियोस मिल जाएंगे या लास्ट एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कौन से कोर्सेज ने आपको धमाल मचाया है, यानी कौन से कोर्सेज लॉन्च हुआ है। आज ही की न्यूज है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जामिया मिल्लिया इस्लामिया 17 मई के। यहां देखिए हेडिंग देखिए कि जामिया ने लॉन्च किया है ई प्रोस्पेक्टस, यानी ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 से 22 तक। इंट्रोड्यूसेस 8 न्यू कोर्सेज एंड 4 न्यू डिपार्टमेंट्स, ठीक है। आप देख लेते हैं टोटल जामिया में जो कोर्सेज है, ये देखिए एंट्रेंस टेस्ट फॉर 134 कोर्सेज का बिल्कुल एकदम जम के फॉर्म निकल गया है, ठीक है, 134 कोर्सेज के लिए, राइट। और ये देख लीजिए, कमाल की बात ये है कि आपको जो नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, मास्टर ऑफ डिज़ाइन इन फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर में, मास्टर ऑफ डिज़ाइन में जितने भी इंजीनियर्स हैं सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बीए ऑनर्स फ्रेंच, बहुत अच्छा कोर्सेज है, सेंटर फॉर स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज में। और बीए भी निकला है, बीए ऑनर्स इन स्पेनिश लैटिन अमेरिकन स्टडीज इन सेंटर फॉर स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज। एमएससी, बहुत जबरदस्त कोर्स लॉन्च हुआ है, मास्टर ऑफ साइंस इन एनवायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट। एमए मास मीडिया हिंदी इन डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में लॉन्च हुआ है। पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, आजकल डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत है, नर्सेज की ज्यादा जरूरत है। जामिया इस मद्देनजर को रखते हुए MBA हेल्थ केयर सिस्टम को लॉन्च किया है। ग्रेजुएशन वाले कोई से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब 4 नए डिपार्टमेंट्स जो बनाए गए हैं वो यूं हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशंस, जिसमें डिजाइन के बारे में पढ़ाई की जाएगी, नए नए खोज के बारे में पढ़ाई किया जाएगा। इसका एक नया डिपार्टमेंट जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शुरू हुआ है, तो इसमें इस साल या अगले साल से और भी कोर्सेज का एडिशन होगा। इस साल जितने कोर्सेज लॉन्च होने वाले वो तो लॉन्च हो गए हैं, तो नया डिपार्टमेंट खुला है तो नया कोर्सेज भी खुलेंगे, नया कोर्सेज खुलेंगे तो सीट भी बढ़ेंगे, सीट बढ़ेंगे तो एडमिशन आसान हो जाएगा, कॉम्पिटिशन आसान हो जाएगा। तो देखिए, आपके हित के लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ, तो लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। कौन से कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा जो डिपार्टमेंट लॉन्च हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पाइस स्टडीज। तीसरा जो डिपार्टमेंट बना है नया नया, वो है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल डेडिकेटेड एक डिपार्टमेंट बना है। अब डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज, ये कमाल के डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि एनवायरमेंट्स आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में कितना पॉल्यूशन होता है, हर देश में जगह में पॉल्यूशन पॉल्यूशन ही भरा हुआ है, नदी हो, नाले हो, प्लास्टिक हो, बहुत एन नंबर्स ऑफ पॉल्यूशन हम मार्केट में फैला रहे हैं, मार्केट मतलब पूरी दुनिया में। तो ये 4 जो डिपार्टमेंट्स बना है, ये आजकल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट को बनाया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने करियर को सक्सेस बनाए और देश दुनिया में धूम मचाए। और आजकल की जरूरत है, आज के जमाने के, बाप के जमाने के नहीं, आज के जमाने के जो कोर्सेज हैं वो सारे लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि आजकल की जरूरतों को पूरा किया जाए और आजकल के यंग स्टूडेंट क्या चाहते हैं उसको पूरा किया जाए। तो दोस्तों, ये जो फैकल्टीज 4 डिपार्टमेंट्स बने हैं, इसमें के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो 8 कोर्सेज हैं, तो सीटें बढ़ी हैं तो एडमिशन आसान होगी। तो दोस्तों, ये आपको कैसी खबर लगी है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त यारों को बिल्कुल वायरल कर दीजिएगा इस वीडियो को। और मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे, चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।